मेरी YouTube फैमिली को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्र का पहला दिन है तो मैंने सोचा है कि 9 के 9 दिन आपके साथ अलग अलग फास्ट के लिए रेसिपीज शेयर करूंगी। उसमें से बहुत सारी रेसिपीज की मुझे रिक्वेस्ट भी आई है तो आने वाले दिनों में वो तमाम रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं फास्ट के लिए कोकोनट लड्डू, जिसे हम बनाएंगे घर पे बने हुए मावा, नारियल बुरादा, रोज़ पेटल्स, रोज़ वाटर और चीनी के साथ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, इसे बनाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले कोकोनट को ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मिक्स करेंगे हम घर का बना हुआ मावा और देसी घी, साथ ही रोज़ पेटल्स। घी और मावा को अच्छे तरीके से कंबाइन करने के बाद इसमें हम 8 से 10 बूंदे रोज़ वाटर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज ना ऐड करें। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बूरा चीनी स्वाद अनुसार, जिस तरह का मीठा आप पसंद करते हैं आप ऐड कर लें, और चीनी को हल्का मेल्ट होने तक इस मिश्रण को कंबाइन कर लें। हाथों से इस मिश्रण को बहुत अच्छे तरीके से आपको एक सार कर लेना है और 2 भागों में बांट लेना है। ये जो स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप इस मिश्रण को 2 हिस्सों में बांटें, एक हिस्से में 4 चम्मच रूह अफ़ज़ा ऐड करें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें। जब मिश्रण एक सार हो जाए तो इसे साइड में रख लें कंबाइन करके। अब बाकी बचे हुए मिश्रण में दूध का छींटा देते हुए इसे भी अच्छे तरीके से डो जैसा बना लें। अब सबसे पहले हम पिंक वाले मिश्रण की एक छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे और इसको कवर कर देंगे वाइट वाले मिक्सचर से, और नारियल बुरादा इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसको अच्छे तरीके से कोटेड कर देंगे। तो इस तरह से फास्ट के लिए आपके होममेड कोकोनट लड्डू तैयार हो जाएंगे। अगले 8 दिन की और रेसिपीज़ के लिए बने रहिए ज़िली रेसिपी पर।